हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने नोट्स के माध्यम से बाईपास प्रोसेस के बारे में जानेंगे, जिसमें ICF, LHB जिसमें कॉइल स्प्रिंग प्रयोग किए जाते हैं, उसमें अगर ब्रेक पाइप फट जाए तो उसका बाईपास हम कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा हाइब्रिड कोच और LHB में जिसमें हमारा एयर स्प्रिंग प्रयोग किए जाते हैं जो फिट पाइप पर वर्क करते हैं, उसमें हम बाईपास कैसे करते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि बाईपास ICF और LHB में कोच में जब ब्रेक पाइप फट जाते हैं तो हम कोच में बाईपास कैसे करते हैं। बाईपास करने की प्रोसेस, सर्वप्रथम हम प्रभावित कोच के आगे तथा वाले कोच के पीछे वाले दोनों एंगल कॉक को हम BP तथा AP को हम बंद कर देंगे। सेकेंड हमारा है प्रभावित कोच के पीछे वाले कोच के आगे वाले दोनों एंगल कॉक BP और AP दोनों बंद कर देंगे। थर्ड हमारा है फिर ख़राब कोच के चारों एंगल कॉक को बंद कर देंगे और ख़राब कोच वाले BP और AP के एयर हॉज को हम अनकपल कर देंगे। पांचवा हमारा प्रोसेस है पाम एंड कनेक्टर की सहायता से ख़राब कोच के आगे वाले कोच के BP को ख़राब कोच के AP से कनेक्ट कर देंगे। और छठा प्रोसेस हमारा है ख़राब कोच के पीछे वाले कोच के BP को ख़राब कोच के AP से पाम एंड की सहायता से कनेक्ट कर देंगे। सातवां प्रोसेस की बात करें तो फिर इंजन से AP की सप्लाई को हम बंद कर देंगे तथा प्रथम कोच के AP एंगल कॉक को बंद कर देंगे। एंगल कॉक खोलने की शुरुआत हम ख़राब कोच के पीछे वाले कोच से ही करेंगे और उस गाड़ी के ड्राइवर को सूचना देंगे कि प्रभावित कोच हमारा बाईपास है। और दसवां प्रोसेस हमारा है ख़राब कोच को रिलीज एवं आइसोलेट करेंगे। नोट की बात करें तो BP एवं AP के लटकते हुए एयर हॉज को ब्रिकेट और हुक से लटका कर देंगे, जिससे हमारा सेफ्टी में कोई रुकावट न हो। और सेकेंड की बात करें तो इंजन से प्रथम और अंतिम कोच को बाईपास हम नहीं कर सकते। और थर्ड हमारा है पाम एंड कनेक्टर उपलब्ध न होने पर हम कोच के BP और AP के एयर हॉजों को आपस में बदल लेंगे, ख़राब कोच के मैनुअल रिलीज एवं आइसोलेट करेंगे। इसके बाद एयर ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट लेकर ट्रेन संचालन सिंगल पाइप से करेंगे। और छठे की बात करें तो इस घटना का प्रविष्टि हम BPC में करेंगे और पूरी घटना का विवरण हम नियंत्रण यानी कंट्रोल को देंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये लोको हमारा है और ये हमारा प्रभावित कोच है। इसका बाईपास कैसे करेंगे उसे हम देखते हैं। ये हमारा ऊपर वाला पाइप हमारा AP है और नीचे वाला पाइप हमारा BP है। इसमें हमारा जब हमारा ये कोच का ब्रेक पाइप फट जाते हैं तो उस केस में हम इस कोच के BP को ख़राब कोच के AP से कनेक्ट करके हम BP प्रेशर के सप्लाई को पीछे वाले कोच में दे देते हैं, जिससे हमारा ब्रेकिंग सिस्टम में कोई खराबी नहीं आती और प्रॉपर हमारा ब्रेकिंग सिस्टम दुरुस्त होते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे कि ब्रेक पाइप पिछले वाले आगे वाले कोच के जो हमारा सही कोच है तो उसके BP पाइप को हम ख़राब कोच के AP पाइप से कनेक्ट करके फिर पीछे वाले जो हमारा सही कोच है उसका ब्रेक पाइप से कनेक्ट कर दिए हैं, जिससे हमारा बाईपास आराम से हो जाते हैं। उसके बाद हम इंजन लोको के पास लगे AP प्रेशर को कटअप एंगल की सहायता से हम बंद कर देंगे और पूरी गाड़ी को हम BP प्रेशर यानी सिंगल प्रेस पाइप के सहारे हम आगे की ओर प्रस्थान करवाएंगे। और ये हमारा
जो हम बीपी प्रेशर को एपी प्रेशर से कनेक्ट करते हैं, ये हमारा पाम मेन कनेक्टर है। ये हमारा नॉर्मल पोजीशन है जिसमें हमारा एपी का कनेक्शन एपी से और बीपी का कनेक्शन हमारा बीपी से है। जब हम बाईपास कर लेते हैं तो उस केस में हमारा एपी ब्रैकेट में एपी पाइप को हम ब्रैकेट में डाल देते हैं और जो हमारा प्रभावित कोच होते हैं उसके एपी को पाम मेन कनेक्टर की सहायता से, यानी बाईपास जिसे हम बाईपास कपलर बोलते हैं, उसकी सहायता से हम खराब कोच के एपी के द्वारा पीछे वाले जो सही कोच है उसमें हम बीपी का प्रेशर के सप्लाई हम करते हैं। इंजन के पीछे वाले कोच का हम बाईपास नहीं कर सकते। यदि बाईपास करने की आवश्यकता पड़ी तो उस कोच को हम काट कर बीच में ले लेंगे। जब कोच को बाईपास किया जाए तो इंजन के फीड पाइप प्रेशर को कटअप एंगल की सहायता से हम बंद कर देंगे। कभी कभी हमें 26 मीटर फ्लेक्सिबल पाइप का प्रयोग कर बाईपास करने की आवश्यकता होती है जिसमें हमारा एयर स्प्रिंग होते हैं, क्योंकि जब हम बाईपास करते हैं तो उस केस में हमारा एपी से एपी में हमारा बीपी का प्रेशर होते हैं जो हमारा एयर स्प्रिंग एपी प्रेशर पर चलते हैं जो हमारा प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए हम एपी प्रेशर यानी फिट पाइप के प्रेशर को हम के प्रेशर में हम कोई खराबी नहीं कर सकते। इसलिए हमें 26 मीटर फ्लेक्सिबल पाइप की प्रयोग कर हम पीछे वाले कोच में ब्रेक प्रेशर को यानी ब्रेक प्रेशर को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं जिससे हमारा एयर स्प्रिंग भी प्रॉपर ढंग से काम करती है। एसी एयर का बाईपास हम नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा सबसे लास्ट व्हीकल होते हैं। एयर स्प्रिंग में लगे गाड़ी को सिंगल पाइप नहीं कर सकते क्योंकि जब बाईपास से 26 मीटर की पाइप का इस्तेमाल इसमें हम करते हैं और एयर स्प्रिंग को हम सही प्रॉपर ढंग से चलाने में सक्षम होते हैं। बाईपास किए गए सिलेंडर को हम डीबी कार्ज नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम मैनुअली रिलीज कर आइसोलेट कर देते हैं। बाईपास होने पर हम ICF कोच को 90 किलोमीटर पर आवर तथा LHB कोच जिसमें हमारा कॉइल स्प्रिंग लगे होते हैं उसे 100 किलोमीटर पर आवर और एयर स्प्रिंग है और एयर स्प्रिंग वाले उसको हम अगर हमारा LHB कोच ने दुरंतों तथा एक्सप्रेस में ब्रेक पाइप मेटलिक पाइप फट जाने पर कोच का बाईपास करने के बाद गाड़ी चलाने की प्रोसेस यानी गाड़ी के गार्ड कंपार्टमेंट या पेंट्री कार या BPC में दर्शाए हुए कोच से हम BP पाम एंड कनेक्टर वाले फ्लेक्सिबल पाइप लाएंगे। प्रभावित कोच के अंदर या बाहर से फ्लेक्सिबल पाइप को कोच के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैलाकर बांधे ताकि पाइप गिर ना पाए। तीसरा हमारा प्रोसेस होगा कि प्रभावित कोच और इसके अगले कोच के बीच के सभी बीपी एंगल कॉक बंद करें। ठीक इसी तरह प्रभावित कोच और इसके पिछले कोच के बीच सभी कोच के बीपी एंगल कॉक को बंद कर देंगे। प्रभावित कोच और इसके अगले कोच के बीच सभी बीपी प्रेस हॉज को एक दूसरे से अनकपल कर ठीक इसी तरह प्रभावित कोच के पीछे कोच के बीच के सभी बीपी एयर हॉज को दूसरे से अनकपल करेंगे। फ्लेक्सिबल पाइप के किसी भी बीपी पाम एंड को अगले कोच के किसी एक बीपी पाम एंड से कपल करके ठीक इसी तरह फ्लेक्सिबल पाइप के दूसरे सिरे को किसी एक बीपी पाम एंड की पिछले कोच के किसी एक बीपी पाम एंड से कपल कर देंगे। सबसे पहले प्रभावित कोच वाले कोच के बीपी एंगल कॉक खोले, उसके बाद प्रभावित कोच के आगे वाले कोच का बीपी एंगल कॉक खोलने चाहिए। प्रभावित कोच ब्रेक रिलीज कर कोच को आइसोलेट करेंगे। कॉन्टिन्यूटी टेस्ट लेकर निर्धारित जो हमारा ICF के लिए 100 किलोमीटर पर आवर 90 किलोमीटर पर आवर होते हैं, जबकि LHV के लिए हमारा 100 किलोमीटर पर आवर बाईपास हो जाने के बाद स्पीड रिस्ट्रिक्शन हमारा होते हैं।
ये हमारा एलएचबी या दुरंतो में क्षतिगत होने पर एफपी प्रेशर, जो हमारा फीड पाइप अगर लीकेज वगैरह होते हैं तो उस केस में हमारा अगर फीड पाइप हमारा फट जाते हैं तो उस केस में भी हमारा सेम प्रोसेस रहते हैं, लेकिन इसमें हमारा जो हमारा मैक्सिमम स्पीड रिस्ट्रिक्शन होते हैं वो हमारा 60 किलोमीटर पर आवर होते हैं। आज हम लोग बीपी और एफपी बाईपास करने के लिए सीखेंगे, क्योंकि इन रूट पे इसकी आवश्यकता बहुत अधिक पड़ती है और जो स्कॉट करते हैं स्टाफ वो उनको गार्ड के द्वारा मैसेज मिलता है कि बीपी या एफपी प्रेशर गिर रहा है या गिर चुका है, तो सबसे पहले गाड़ी चेक करते हैं और जिस गाड़ी में बीपी या एफपी का पाइप फटा हुआ मिलता है या लीकेज मिलता है और उसको हम उस समय रिपेयर नहीं कर सकते इन रूट, तो उसको हम बाईपास करते हैं। तो बाईपास करने से पहले हम लोग डीवी पैनल के पास आकर उस पोच को सबसे पहले दोनों ट्रॉली आइसोलेट करते हैं और डीवी हैंडल को उठा देते हैं कि उसमें जो प्रेशर हो वो बाहर निकल जाए और ब्रेक रिलीज हो जाए। और यहाँ पर हम लोग डीवी हैंडल उठाने के लिए पैनल को खोल रहे हैं और आइसोलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले देख रहे थे कि जो आइसोलेटिंग कॉक का नोब था वर्टिकल था, उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, यानी कि अब दोनों ट्रॉली आइसोलेट हो गई। उसके बाद हम लोग डीवी हैंडल को उठा देंगे। उसके बाद हम लोग इसको मैनुअल रिलीज कर देंगे। उसके बाद इस गाड़ी में किसी तरह की कोई ब्रेक अप्लाई नहीं रहेगी। अब हम चलते हैं कि बाईपास कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो हमारे पास ये बीपी का बाईपास पाइप है जिससे हम अभी बाईपास करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं जहाँ से हम लोग को बाईपास की शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले हम एंगल कॉक को मोड़ेंगे। यहाँ पे बीपी का एंगल कॉक हमने इसको मोड़ लिए हैं। उसके बाद इस कोच का एंगल कॉक मोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टी बोल्ट लगा हुआ रहता है, उसको टी बोल्ट खोल कर हाउस पाइप को डिसकनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग इस बाईपास पाइप को पोंच के समानांतर इसको फैला लेंगे। इसके बाद हम लोग इंजन की साइड वाले पोंच से बाईपास पाइप को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद इस बाईपास पाइप को जगह जगह पर जीआई वायर से अच्छी तरह से बांध देंगे ताकि इन रूट कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से करते हुए हम अगले पोंच तक बढ़ेंगे।
इस तरह अगले कोच के पास पहुंच गए हैं और यहाँ पे पुनः टी वोल्ट खुल गया डीपी हाउस पाइप का, और उसके बाद इस बाईपास पाइप का एक सिरा अगले कोच के डीपी हाउस पाइप से जोड़ देंगे। यहाँ पर हम लोग फिर हाउस पाइप को जोड़ेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर पूरी तरह से बाईपास हो चुका है और पुनः हम लोग आगे वाले कोच में इंजन साइड वाले कोच में जाके एंगल पॉप को ओपन करेंगे और गार्ड महोदय से पूछेंगे कि बीपी प्रेशर बना या नहीं बना। यहाँ पर हम लोग एंगल कॉक खोल देंगे जिससे पूरी गाड़ियों में बीपी प्रेशर पुनः बन जाएगी इस कोच को छोड़कर। फाइनली यहाँ पर एक बार हम चेक कर लेंगे हम लोगों कि इस इंडिकेटर ग्रीन है या नहीं, उसके बाद फिजिकली ब्रेक इस गाड़ी का चेक कर लेंगे कि रिलीज है कि नहीं है। इस तरह से बाईपास की प्रक्रिया पूरी होती है। धन्यवाद। Universal BPFP coupler and its use during en route troubleshooting in passenger trains. Brakes pipes of all the coaches in a train is connected through BP air hoses. Likewise feed pipes are connected. BP air hose cannot be connected with FP air hose directly. BP and FP air hose can be connected only with universal coupler. When BP of a coach is damaged during the course of journey, then coupling of BP to FP air hose required on the both end of the affected coach. Universal coupler is a small pipe with BP palm end at one side and FP palm end on the other side so that it can couple BP to FP air hose. Two numbers of universal coupler kept in the brake band for emergency requirement and continuing the journey. If BP metal pipe of a coach gets damaged en route, then the following steps to be taken. Universal couplers kept in the brake band secured with one-time lock. Break the lock to collect the couplers. Close the BP and FP angle cocks of the affected coach and its preceding coach toward engine. Uncouple BP and FP air hoses. Couple BP of the preceding coach BP to affected coach FP with one universal coupler. Open the FP angle coac of the affected coach and BP angle cock of the preceding coach.